मैं तो डंके की चोट पर कहता हूं कि मेरे गुरु को अंधे बन के मत मानना, उपकारी बन के मत मानना समाज वालों, इसलिए वो गुरु हैं कि उनके समाज पर उपकार है, प्रतिभा स्थली खोल रहे हैं, इसलिए गुरु हैं। ये तो एक पैसा वाला भी खोल देगा रे। हाथ करगा का काम कर रहे हैं इसलिए गुरु हैं, मेडिकल खोल रहे हैं इसलिए गुरु हैं, दीक्षाएं दे रहे हैं इसलिए गुरु हैं, तीन तीन साढ़े तीन 300 को पिछिया दे दी इसलिए गुरु है। नहीं, ये मेरे गुरु के लक्षण नहीं है। मेरा गुरु साक्षात रत्नत्रय की प्रतिमूर्ति है, इसलिए वो मेरा सच्चा गुरु है। रत्नत्रय की साक्षात मूर्ति है, साक्षात मूर्ति है वो, इसलिए सच्चा गुरु है। और इसलिए आपसे भी मेरा कहना है, उस दृष्टि से देखो, सच्चे गुरु की दृष्टि से देखना। कल मैंने पूरे चश्मा उपकार के उतार दिए, जितने उपकार गुरुदेव ने मैंने किए थे, मैंने एक भी उपकार को नहीं गिना, मैंने कहा ही नहीं। कई बार आदिनाथ ने कहा थोड़े उपकार की बात तो कह ले, मैंने कहा नहीं गुरुदेव, आज तो उपकार नहीं गिना, मैं गुरु का उपकार मान करके गुरु नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा। और मेरा नियम हो गया है, मेरे ऊपर दुनिया कितना भी उपकार कर दे, यदि वो गुरु के स्वरूप में नहीं है, भगवान के स्वरूप में नहीं है, तो मैं आज सभा के सामने वचन देता हूं, वो मेरा भगवान, वो मेरा गुरु नहीं हो सकेगा, क्योंकि उसमें गुरु का स्वरूप उपकारी है। तो बने रहो, बने रहो उपकारी हो। और गुरु को कल क्या आनंद आया, रात छाती फट रही थी, वो कितने इंच का सीने की चर्चा, 56 इंच का सीना हो रहा, एक एक जो मूल गुण गुरु में देखे हम, ऐसा झलकता था, चमकता हुआ, निर्मल निर्दोष, एक एक मूल गुण जब मैंने गुरु का चिंतन किया, ऐसा जैसे उस मूल गुण में हजारों सूरज लग गए हो, हजारों सूरज का प्रकाश उसमें आ गया हो, और एक एक मूल गुण नगीना के समान मेरे पूज्य गुरुदेव के अंग अंग में दमक रहा था, दैदीप्यमान हो रहा था, ऐसा दैदीप्यमान हो रहा था एक एक मूल गुण। इसलिए मैं तो आठ लोगों से कहता हूं, तुम्हारे गुरु डरते होंगे, तुम्हारे गुरु डरपोक होंगे, तो तुम कहते हो मेरे गुरु के दोष मत देखना, मेरे गुरु को मत देखना, उनका उपकार देखो। मैं तो डंके की चोट कहूंगा, मेरे गुरु को कसक कितना कसना है, सारे जगत को, देवताओं को भी छूट है, मनुष्यों को भी छूट है, निश्चयियों को भी छूट है, व्यवहारियों को भी छूट है, रत्नगढ़ी को छूट है, लोहेगढ़ी को छूट है, सोनगढ़ी को छूट है, तेरा को छूट है, 20 को छूट है, सबको छूट है। कसो मेरे गुरु को निर्मल निष्पक्षपाती होकर, पक्ष व्यामोह करके नहीं। यदि पक्ष व्यामोह करके करोगे भैया तो क्या बोलो ना, पक्ष व्यामोह रहेगा तो अपन को निर्दोष में भी दोष दिखता है। यदि अपने मन में कोई पक्ष व्यामोह है ना, तो निर्दोष भी सदोष दिखता है। पक्ष व्यामोह छोड़ दो, एक दिन के लिए छोड़ दो, मत दुनिया से कहना, सारे जगत से मेरा कहना है, व्यवहार वालों से मेरा कहना है, पंथवादों से मेरा कहना है, सोनगढ़ियों से मेरा कहना है, निश्चय वालों से मेरा कहना है, जो जो दिगंबर जैनी है, बस एक बार मेरी बात मान लो, किसी से मत कहना, तुम्हारा अपमान नहीं करूंगा मैं, अंदर की बात है, बस एक बार गुरु का स्वरूप की कसौटी लेकर मेरे गुरु को कस करके, और एक बार अंदर से कह दो गुरु तो यही होगा, बोली मत मानना, बोलना मत, बोलने तो तुम्हारी नाक कट जाएगी ना, मत। बस मुझे तो अंतर जगत जगाना है, बाहर से कोई फर्क पड़ने वाला, बाहर से नहीं मानो तो मत मानना। ये नमस्कार नमस्कार गुरु मानने के तरीके नहीं है, मत करना नमस्कार। नमस्कार नहीं करने वाला भी गुरु मान सकता है, और नमस्कार करने वाला भी कहो गुरु। मैंने ऐसे नमस्कार करने वाले देख के, जिन्हें गुरु का स्वरूप पता नहीं है, गुरु की परिभाषा पता नहीं है, हम रास्ते में चलते हैं, कितने लोग नमस्कार करते, बोलो ना, बोलो, क्या वो गुरु मान लेते हैं, क्या वो गुरु जानते हैं, नहीं, तो नमस्कार नहीं करना, तुम्हारी नाक बची रहेगी, आहार नहीं देना, तुम्हारी नाक बची रहेगी, गुरु के दर्शन मत करना, तुम्हारी नाक बची रहेगी, गुरु के प्रवचन मत सुनना, तुम्हारी नाक बची रहेगी। बस अंदर से एक बार गुरु को कसौटी पर
आचार्य विद्यासागर महाराज को एक बार 28 मुनि कसौटी लाके देखो, मेरा वायदा निष्पक्ष दुराग्रह छोड़ के करोगे तो तुम्हारा अंदर कह देगा बोलो जय जय गुरुदेव।